मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले साल सितंबर माह में विजयनगर पुलिस ने महालक्ष्मी नगर इलाके से देव व्यापार के अड्डे का पर्दाफाश कर 21 लड़कियों को मुक्त कराया, जिनमें से कई लड़कियां बांग्लादेश की थी। इस मामले में गिरोह के मुख्य सरगना विजय दत्त को पुलिस ने गिरफ्त में लिया। इससे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। विजय दत्त का असली नाम मोमिनुल हुसैन है, जो बांग्लादेश के पावना गांव का रहने वाला है। वो 10 साल पहले बांग्लादेश से भारत आया था और फिर उसने फर्जी तरीके से राशन कार्ड और उसके आधार पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ पासपोर्ट बनवाए थे विजय दत्त के नाम से। विजय दत्त ने बांग्लादेश में अपनी पत्नी के एनजीओ और दलालों की मदद से मानव तस्करी कर अवैध रूप से सीमा पार करवाकर गरीब और बेसहारा युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर भारत बुलवाता रहा और फिर उनसे देह व्यापार करवाता रहा। गत वर्ष सितंबर माह में इंदौर पुलिस द्वारा 4-5 स्थानों पर दबिश मारकर 21 लड़कियों को बरामद किया गया था। उन्हें देह व्यापार से मुक्त कराया गया था। जो गैंग में लगभग 33 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, उस गैंग में ये खुलासा हुआ था कि इस गैंग को ऑपरेट मुंबई से किया जाता है, जिसका मुखिया विजय जीवन आदि है। अभी 15 नवंबर को फिर एक होटल में दबिश दी थी, तो उसमें जो लड़कियां मिली थी वो भी बांग्लादेश की थी और उनके द्वारा भी विजय बबलू का नाम लिया गया था। तब आईजी साहब द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो टीम बनाई गई थी, उस टीम ने लगभग 7-8 दिन तक मुंबई और गुजरात में अपना स्टे करा और वहाँ करके पूरा गोपनीय तरीके से रहकर उनने भेष बदल कर वहाँ पर कार्य किया और कार्य करने पर उनको पता चला कि विजय दत्त जो है उसका नाम है, एक्चुअल में वो बांग्लादेश का आया हुआ है और यहाँ पर कहाँ छुपा हुआ है इसके बारे में उसकी जानकारी मिली थी। तब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। विगत वर्ष